अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत आफियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी हर नई वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आती हूँ और आप लोगों के साथ उसकी डिटेल शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले। इसी तरह आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आ सकें और आप लोगों के लिए आसानी हो सके। आज की वीडियो में हम लीव एब्सेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के बारे में और इस टॉपिक के बारे में सीख सकें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीव एब्सेशन, द एक्टिव सेपरेशन ऑफ अ लीव फ्राम अ ब्रांच विदाउट इंजरी टू द ब्रांच इज कॉल्ड एब्सेशन। दिस सेपरेशन इज सीजनल एंड अदर पार्ट्स प्लांट लाइक फ्लोरल लीव्स फ्रूट्स एंड ऑफन ब्रांचेस आल्सो शो दिस फिनोमिना। दिस प्रोसेस इज अ मीन्स ऑफ सेल्फ प्रूनिंग व्हेन एक्सेस ऑफ शूट्स इज प्रेजेंट। द लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर यूजली शेड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन द टिश्यूज ऑफ लीफ बेस prior to leaf death. The tissue region concerned with the abscission is called abscission zone or region. This zone is distinguishable histologically from the surrounding tissue and morphologically by the presence of a shallow groove or by different in color of epidermis. The vascular tissue in this region is usually concentrated in the center and colenchyma or sclerenchyma are less developed or absent. In the abscission, 1-2 layers are distinguishable. An abscission or separation layer through which the abscission takes place and a protective layer which at leaf fall protects from desiccation and invasion of parasites to the exposed surface. In many abscission organs, the preparation of the separation layer takes place during normal ontogeny but may also occur a short time before shedding of the organ in response to conditions causing abscission. Several histological processes take place during the abscission, not all of them in the same species, which include breakdown of pith cells, cell divisions in cortex, cellular differentiation, breakdown of cortical and vascular cells, lignification of parenchyma cells, tylose formation, intracellular elements and cellulose deposition in sieve elements. The final event in abscission involves enzymatic degradation of the cell wall. This starts with removal of calcium and pectin from the middle lamella and continues with the hydrolysis of cellulose wall. At the end, the tracheal elements rupture xylem vessels and parenchyma of vascular bundles may also become weakened by the hydrolysis of cell wall material prior to abscission. दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।